मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है, आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए भजन संहिता 9 उसका 19 और 20वां वचन हम पढ़ें। उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल ना होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। सेला। यहां पर हम देखते हैं कैसे शक्तिशाली शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भजन संगीता लिखने वाला इस भजन को समाप्त करता है। एक ऐसा भजन है जिसमें प्रभु यहोवा के जय का ऐलान है। दुष्ट, जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो कई बार लगता है कि वो अपने जीवन के स्वामी हैं और उनके जीवन में कोई भय नहीं। वो अपनी मोह के अनुसार जीते हैं, अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं के अनुसार जीते हैं। लेकिन ये भजन संहिता परमेश्वर के संतान को याद दिलाता है कि आखिर जय यहोवा की है। इस वचन को जरा देखें जिधर लिखा है, उठे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल ना होने पाए। दाऊद राजा अच्छी तरह जानता है कि किस तरह यहोवा परमेश्वर ने इसराइलियों को उस क्षण तक चलाया है। प्रभु यहोवा ने समुद्र के बीच में से उनके लिए रास्ता खोला और प्रभु ने किसी को भी परमेश्वर की योजना में बाधा बनने नहीं दिया। सो यहां पर दाऊद की यह प्रार्थना ये नहीं है कि प्रभु दुश्मनों को दबा दे, लेकिन इधर हम भजन संहिता लिखने वाले के हृदय को हम देख सकते हैं कि कैसे वो चाहता है कि परमेश्वर की महिमा हो और वो भी दुश्मनों के सामने परमेश्वर की महिमा हो। वो चाहता है कि दुश्मन जो परमेश्वर का बलवा करते हैं वो परमेश्वर की महिमा देखें ताकि वो समझ जाए कि वो किसका विरोध करते हैं। दाऊद ये नहीं प्रार्थना कर रहा कि परमेश्वर दाऊद को दुश्मनों के सामने ऊंचा करें और ये दिखाएं कि दाऊद धर्मी है। वरन दाऊद यही चाहता है कि परमेश्वर की महिमा हो। वो यही विनम्र इच्छा है उसके अंदर कि दुश्मनों का न्याय जब होता है वो न्याय में भी परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम मूसा के जीवन में भी इसी हृदय को देख सकते हैं, जो प्रभु को प्यार करता था और परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित किया था। मूसा की दिल की तमन्ना यही थी कि परमेश्वर की महिमा हो और उसी के लिए उसने अपना जीवन बिताया। बलवा करने वाले इसराइलियों के लिए भी वो मध्यस्थता करता था ताकि अन्य जाति परमेश्वर का नाम नीचा ना करे। जिस यहोवा परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र से अपना भुजबल दिखाकर निकाला था, दाऊद दुश्मनों को देखकर डरा हुआ नहीं है, वरन वो चाहता है कि प्रभु की महिमा हो। इसलिए दाऊद प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। दाऊद ये नहीं चाहता कि मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के सामने, अपने सृष्टिकर्ता के सामने ऊंचा करे। वो चाहता है कि बलवा करने वाले दुश्मन वो ये समझ ले कि वो सिर्फ मनुष्य ही हैं, सृष्टिकर्ता की नजर में सिर्फ धूल हैं और वो कभी भी सृष्टिकर्ता के सामने प्रबल नहीं हो पाएंगे। ऐसा क्यों? ताकि वो अपने आप को नम्र करें, अपनी दुष्टता से मन फिराएं, परमेश्वर की करुणा की विनती करें और परमेश्वर के सजा से बच जाए। परमेश्वर को दुष्टों के अंदर अपना भय डालने के लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए। जो परमेश्वर को गुस्सा दिलाते हैं उनको डराना परमेश्वर के लिए मुश्किल काम नहीं। हम सब जानते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर सम्राट के अंदर वो भय डाला जब घमंड उसके अंदर आ गया था। नबूकदनेस्सर के ऊपर जो सजा आई पूरे बैबलोन साम्राज्य को डरा दिया।
परमेश्वर ऐसा हर बार करना नहीं चाहता। कारण परमेश्वर लोगों को डराकर पीछे चलाना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर के प्रेम को जाने और फिर प्रभु पर भरोसा करें। और इधर हम देखते हैं कैसे ये वचन, ये मुख्य संदेश मनुष्य तक पहुंचाता है, चाहे अविश्वासी हो, परमेश्वर का भय मानता हो या ना मानता हो। परमेश्वर ने हमारी आंखें खोली ताकि हम सत्य को जानें और परमेश्वर को आदर दें और परमेश्वर का भय रखें, और हमारे जीवन के द्वारा दूसरे भी परमेश्वर को का भय के साथ सेवा कर सकें। हम सब मनुष्य हैं, धूल हैं, कमजोर हैं, घमंड करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। हमें हमेशा ध्यान रखना है, हम इस पृथ्वी में नंगे आए और हमें नंगे ही जाना है। तात्कालिक बातों में घमंड ना करें, चाहे खूबसूरती हो, चाहे धन दौलत हो, चाहे आदर सम्मान हो, ये सब बुलबुले हैं जिनको हम हाथ में भी नहीं पकड़ सकते। सो आइए हमारे अंदर ये तमन्ना रहे कि हम प्रभु के नाम की महिमा करें, और परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें दुश्मनों की बर्बादी के लिए प्रार्थना नहीं करना है, वरन हमें अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना है, उन्हें प्रेम करना है। हमें जगत का ज्योति बनाया है, जिधर अंधकार मनुष्य जाति को बर्बाद करने में तुला है, ताकि मनुष्य हमेशा के लिए नाश हो। हमारे प्रभु ने हमारे सामने नमूना दिखाया कि कैसे अपने सताने वालों को प्रेम करना है और उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना है। हमारा असली दुश्मन वो शैतान है जो लोगों को उकसाता है कि परमेश्वर के योजना के खिलाफ बलवा करें। सो आइए हम लोगों के छुटकारा के लिए प्रार्थना करें, ताकि वो एहसास करें कि वो सिर्फ धूल है और अपने जीवन के हर काम के लिए उन्हें परमेश्वर के सामने हिसाब देना है। परमेश्वर हर व्यक्ति का सृष्टि करता है, और मनुष्य के लिए जो कुछ चाहिए परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से इंतजाम किया है, लेकिन मनुष्य कभी भी प्रभु ने जो काम किया उसके लिए आभारी नहीं है, लेकिन घमंड से बढ़कर अपने जीवन को बर्बाद करता है। आइए लोगों के उद्धार के लिए हम बीचवाई करें, जो शुभ समाचार हम दूसरों को बताते हैं उसके द्वारा लोगों के अंदर परमेश्वर का भय आए, ताकि परमेश्वर के सजा से वो बचकर अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। प्रभु हमें मदद करे कि हम क्रूस के पीछे छुपे रहें और अपने प्रभु के जय के उत्सव में हम आगे चलें। प्रभु ने हमें जो जय दिया उसमें हम आनंदित हों और प्रभु की महिमा के लिए जिए। यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी में हो, हमारे जीवन में हो, जैसे स्वर्ग में होती है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपके वचन के लिए। आप हम एक एक से बात कर रहे प्रभु इन दिनों में, जैसे आपका वचन सीख रहे हैं, आपके स्वभाव को समझते हुए प्रभु आपकी महिमा के लिए जीने के लिए मदद करें। प्रभु जो भी हमें देखे वो केवल आपकी ही महिमा देख सके। हम अपने लिए जीने वाले नहीं, वरन आपकी महिमा के लिए जीने के लिए हमें सहायता करें, उसके लिए हमें ज्ञान और समझ दे प्रभु। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारना।